दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे पांच रिचार्जेबल टॉर्च लेके आए हैं। आज इस वीडियो में हम पांचों रिचार्जेबल टॉर्च के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे पांचों रिचार्जेबल टॉर्च के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं MZM907 LED रिचार्जेबल टॉर्च के बारे में। तो कुछ इस तरह का पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लिया है। बॉक्स के अंदर हमें एक चार्जिंग एडाप्टर और एक रिचार्जेबल टॉर्च देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च के बारे में, तो ये एक 2-in-1 रिचार्जेबल टॉर्च है, जिसे आप एज अ टॉर्च मोड और एज अ लाइटन मोड दोनों पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा छोटा एंड कॉम्पैक्ट साइज में आता है ये एलईडी टॉर्च, जिसे आप अपने पॉकेट में भी इजिली कैरी कर सकते हैं। वहीं पे बात करें इस रिचार्जेबल टॉर्च के दूसरे फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको 12 वाट का लेजर एलईडी, 7 वाट का ब्राइट एसएमडी लाइट और 1200mAh का बैटरी मिलता है। वहीं पे बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पे आपको टॉर्च मोड में 5 घंटे तक का बैकअप मिलता है। वहीं पे आपको साइड लाइट में 3 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये रिचार्जेबल टॉर्च 5 से 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। चलिए इस रिचार्जेबल टॉर्च के लाइटिंग को हम लोग चेक करते हैं। तो दोस्तों इस रिचार्जेबल टॉर्च में आपको कुछ इस तरह का लाइटिंग देखने को मिल जाता है टॉर्च मोड और लाइटन मोड में। दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं इस रिचार्जेबल टॉर्च के बारे में, तो चलिए इस टॉर्च को भी हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लिया है। बॉक्स के अंदर से एक चार्जिंग केबल और एक चार्जिंग एलईडी टॉर्च देखने को मिलता है और इस टॉर्च को भी आप पॉकेट में इजिली कैरी कर सकेंगे। अगर हम बात करें इस रिचार्जेबल टॉर्च के बारे में, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ब्राइट लाइट देखने को मिल जाएगा इस एलईडी टॉर्च में। और साथ ही साथ इस एलईडी टॉर्च में आपको 3 लाइटिंग मोड मिल जाएंगे। पहला है टॉर्च मोड, दूसरा है ब्लिंकर और तीसरा है साइड लाइट। दोस्तों इस रिचार्जेबल टॉर्च में आपको जूम इन जूम आउट का ही फीचर देखने को मिलता है। दोस्तों इस रिचार्जेबल टॉर्च में आपको 3 से 4 घंटे तक का बैकअप मिल जाएगा। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें, तो ये रिचार्जेबल टॉर्च 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। चलिए इस रिचार्जेबल टॉर्च के लाइटिंग को हम लोग चेक करते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का लाइटिंग देखने को मिल जाएगा इस रिचार्जेबल टॉर्च में। ये भी एक 2-in-1 रिचार्जेबल टॉर्च है, जिसे आप एज अ टॉर्च मोड और एज अ लाइटन मोड में यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस रिचार्जेबल टॉर्च की प्राइसिंग के बारे में, तो इस रिचार्जेबल टॉर्च का प्राइस है 200 रुपीज। तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं MZM1703 रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च के बारे में। तो कुछ इस तरह का पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इस प्रोडक्ट को भी हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें एक रिचार्जेबल टॉर्च और एक चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस रिचार्जेबल टॉर्च के बारे में, तो ये भी एक 2-in-1 रिचार्जेबल टॉर्च है, जिसे आप एज अ टॉर्च मोड और एज अ लाइटन मोड दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इस एलईडी टॉर्च में आपको 100 वाट का लेजर एलईडी देखने को मिलता है और साइड में आपको 50 वाट का कॉब लाइट देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस रिचार्जेबल टॉर्च के बैटरी बैकअप के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 घंटे तक का बैकअप इजिली मिल जाएगा। इस रिचार्जेबल टॉर्च में आपको 1800mAh का बैटरी मिलता है। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें, तो ये रिचार्जेबल टॉर्च 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। दोस्तों इस रिचार्जेबल टॉर्च में आपको 4 लाइटिंग मोड्स मिल जाते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग मोड, दूसरा है डिम मोड, तीसरा है ब्लिंकर और चौथा है कॉब लाइट। अगर हम इस रिचार्जेबल टॉर्च की प्राइसिंग की बात करें, तो इस रिचार्जेबल टॉर्च का प्राइस है 250 रुपीज। अब हम बात करेंगे MZM922 हाई पावर फ्लैश लाइट एलईडी टॉर्च के बारे में। तो चलिए इस प्रोडक्ट को भी हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लिया है। बॉक्स के अंदर से एक एलईडी टॉर्च और एक चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें इस एलईडी टॉर्च के बारे में, तो ये भी एक 2-in-1 एलईडी टॉर्च है, जिसे आप एज अ टॉर्च मोड और एज अ लाइटन मोड दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इस एलईडी टॉर्च में आपको 100 वाट का लेजर एलईडी देखने को मिल जाता है। इस रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च में आपको 2400mAh का बैटरी मिलता है, जिसमें आपको 8 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें, तो ये रिचार्जेबल टॉर्च 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। दोस्तों इस रिचार्जेबल टॉर्च में भी आपको 4 लाइटिंग मोड्स मिलते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग मोड, दूसरा है मीडियम, तीसरा है ब्लिंकर और चौथा है साइड लाइट।
अगर हम इस रिचार्जेबल टॉर्च की प्राइसिंग की बात करें तो इस एलईडी टॉर्च का प्राइस है 350 रुपीज। सबसे आखिरी में हम बात करने वाले हैं MZM035 रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च के बारे में, तो चलिए इस प्रोडक्ट को भी हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लिया। बॉक्स के अंदर से एक चार्जिंग केबल और एक एलईडी टॉर्च देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस एलईडी टॉर्च के बारे में तो ये एलईडी टॉर्च आपको फुली मेटल बॉडी का मिल जाता है। इस एलईडी टॉर्च में आपको 80 वाट का सुपर ब्राइट एलईडी देखने को मिलता है। इस एलईडी टॉर्च में आपको 1200 एमएच का बैटरी देखने को मिलता है। अगर हम इस एलईडी टॉर्च के फीचर्स के बारे में बात करें तो इस एलईडी टॉर्च में आपको 3 लाइटिंग मोड्स मिल जाते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग मोड, दूसरा है मीडियम, तीसरा है ब्लिंकर और चौथा इस एलईडी टॉर्च में आपको जूम इन जूम आउट का फीचर देखने को मिलता है। अगर हम बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इस एलईडी टॉर्च में आपको 4 से 5 घंटे तक का बैकअप इजी देखने को मिल जाएगा। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये एलईडी टॉर्च 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का लाइटिंग आपको देखने को मिल जाएगा इस एलईडी टॉर्च में। अगर हम बात करें इस एलईडी टॉर्च के प्राइसिंग के बारे में तो इस एलईडी टॉर्च का प्राइस है 650 रुपीज। दोस्तों ये थे टॉप बेस्ट रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च जिन्हें आप 150 से लेकर 650 के प्राइसिंग में खरीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कौन सा टॉर्च का लाइटिंग सबसे बेस्ट लगा हमें कमेंट करके बताएं।